हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन कबीर कुक्स। तो कबीर कुक्स में आज हम बनाएंगे टी टाइम स्नैक्स जो खाने में बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची है। और इसके लिए मैंने ये ले ली है 600 ग्राम मैदा। ये जो आप कप देख रहे हैं ये 200 ग्राम का है और इस कप भर के मैंने ले ली है 3 कप मैदा। और मैंने ले ली है इसमें इस कप के अकॉर्डिंग 1 कप सूजी यानी 200 ग्राम सूजी ली है, बारीक सूजी ली है मैंने। और इसमें एक कुआ बनाएंगे और उस कुएं में डाल देंगे ये कुकिंग ऑयल। सरसों का तेल छोड़ के आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल घी यूज़ कर सकते हैं बोयन के लिए। और ये जो कुकिंग ऑयल है वो मैंने 150 ग्राम करीब लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले सकते हैं। और ये है सूखे करी पत्ते, इनको अच्छे से हाथों से दरदरा सा करके और डाल देंगे इस आटे के अंदर। और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये 1 चाय चम्मच अजवाइन और ये डाल दिया 1 चाय चम्मच ये काली मिर्च का पाउडर। और इनको अच्छे से डाल के मिला देंगे, अच्छे से मोयन लगा लेंगे। मोयन हमें एक मुठिया बनने तक ही इसमें लगाना है। ये देखिए अच्छे से मुठिया बनने लगी यानी हमारा मोयन बिल्कुल परफेक्टली इसमें डल गया है। और अब हम रूम टेम्परेचर का पानी लेंगे, गर्म पानी नहीं लेना है हमें। और इससे एक कड़क आटा गूंद लेंगे, जैसे हम पूरी का आटा गूंदते हैं उसी के हिसाब का हमें इसका आटा गूंदना है। पूरी के आटे से हल्का सा इसको टाइट रख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा लूज आटा नहीं रखना है। रोटी जैसा चपाती जैसा आटा नहीं लगाना है इसमें, नहीं तो हमारी जो मठरी है वो कड़क हो जाएगी। और बस इस तरीके से अच्छे से इसको हाथों से गूंदते हुए दबाते हुए बढ़िया सा आटा रेडी कर ले। और ये हमारा आटा अच्छे से गूंद रहा है और ये जो मठरी है वो खाने में बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और यमी लगती है। तो एक बार इसको ज़रूर आप ट्राई करें। और ये आटा लगभग गूंद चुका है और इसको अब मैं रख देती हूँ 15 मिनट के लिए। ऊपर से इसमें हल्का सा तेल लगा देंगे जिससे कि ऊपर से ड्राई ना हो जाए और ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए। और ये 15 मिनट हो गए हैं और अब हम आटे को निकालेंगे इस तरीके से और इसकी बनाएंगे हम लोई। और लोई बना के हम इसको चकले पे अच्छे से बेलेंगे। ये देखिए थोड़ा सा कड़क रहता है तो थोड़ी मेहनत लगती है इसको बेलने में, तो बस इस तरीके से हाथों से अच्छे से इसको बेलें, थोड़े कड़क हाथों से बेलें। और ये बेल जाने के बाद हम एक ग्लास ले लेंगे और ग्लास से हम इसकी छोटी छोटी सी पूरियाँ कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से छोटी छोटी पूरियाँ कट करेंगे। आप अगर ट्रायंगल बनाना नहीं चाहते तो बिल्कुल ये गोल गोल पूरियाँ ही सेक सकते हैं, पर क्योंकि मुझे थोड़ा इनोवेशन की हैबिट है और मुझे अच्छा भी लगता है तो इस तरीके से ट्रायंगल बनाएंगे इसका एक। और ट्रायंगल बनाने के बाद कोई फोर्क लेंगे या कोई भी नुकीली चीज़ लेंगे और बीच में इसके छेद कर देंगे जिससे कि हमारा ये जो ट्रायंगल है वो खुले नहीं और फूले नहीं। और देखिए कॉर्नर्स को ऐसे दबा के कली जैसी इसकी बना देंगे। और ये देखिए इस तरीके से बहुत ही आसान है। फिर से आप देख सकते हैं ट्रायंगल बनाया, फोर्क से छेद किया, इसको हाथ में उठाए, कॉर्नर्स को थोड़ा सा दबाया दोनों साइड से और ये अंदर की तरफ क्रश कर दिया। तो इस तरीके से ये कली जैसी बन जाएगी। तो सारे जो पूरियां हैं हमें इसी तरीके से शेप में बनानी है तो ये बहुत ही प्यारा और टी टाइम स्नैक बनके रेडी हो जाएगा इस तरीके से। अगर आपके पास और भी शेप्स हों जो आप और भी इनोवेटिव बना सकते हो तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स जरूर कीजिए। मैं जब भी आप कुछ भी नई सजेशन सलाह मुझे देंगे तो मैं बिल्कुल उसको फॉलो करूँगी और अपने चैनल में उसको जरूर एक बार ट्राई करूँगी कि मैं भी नई नई चीज़ें सीख सकूँ। और ये देखिए मैंने कुकिंग ऑयल गर्म कर लिया मीडियम फ्लेम पे और इसमें डाल दी है ये मछली। एक तरफ मछली को सिकने में करीब 7 से 10 मिनट का टाइम लगेगा और इसे हमें मीडियम और स्लो फ्लेम करते हुए सीखना है, तेज आंच पे नहीं सीखना है, नहीं तो ऊपर से सिक जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। पलटते पलटते हुए इसको दूसरी साइड भी आप सेक लीजिए करीब 5 से 7 मिनट तक। स्लो फ्लेम हम करते रहेंगे, बीच बीच में थोड़े टाइम के लिए मीडियम कर दीजिए क्योंकि एकदम स्लो फ्लेम होने पे तेल ठंडा हो जाता है और मछली सिकने में उतना प्रॉपरली नहीं सिक पाती है या फिर उसमें तेल भर जाता है। तो बस इस तरीके से अलटते पलटते हुए आप इसको सेकें, स्लो और मीडियम फ्लेम करते हुए सेकें। हाई फ्लेम पे हमें इसे नहीं सेकना है, बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही क्रंची ये मठरी है। तो एक बार आप जरूर इसको ट्राई करें। टी टाइम स्नैक में खा सकते हैं आप, कोई भी त्यौहार आते हैं तो उस पर बना सकते हैं और मेहमानों से तारीफें पा सकते हैं। और ये हो गई हमारी सारी मठरियाँ तैयार और ये मैंने निकाल ली हैं। और बस इस तरीके से आप सॉस या चटनी जिससे भी आप चाहें इसको बनाएं खाएं। और कभी कुक्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।